नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। सुप्रभात। आज हम बात करेंगे कि प्लांट्स में पानी कैसे दिया जाना चाहिए। जैसे कि गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो हम प्लांट को पानी कैसे देंगे, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बड़े गमलों में पानी होता है, ये देखिए, और प्लास्टिक वाले गमलों में भी पानी होता है जो कि देर से सूखता है, ठीक है। और बड़े गमलों में भी कल सुबह के टाइम पानी दिया हुआ है, जो आप देख सकते हो कि सभी गमलों में पानी है। हाँ, बाकी जो छोटे वाले प्लांट्स होते हैं उनमें पानी नहीं है, जैसे ये देख सकते हो इनमें पानी नहीं है, जबकि पानी मैंने प्रॉपर सभी गमलों में मैं देखे गई थी, उस वाले में भी नहीं है, और इनमें भी पानी कम हो चुका है, और इसमें भी पानी आप देख सकते हो, बिल्कुल मिट्टी इस तरह से बिल्कुल मिट्टी सूखी पड़ी है। और इस छोटे वाले गमले में भी अडेनियम का देख सकते हो, इसमें भी पानी नहीं है, और इस वाले में भी नहीं है, और इस वाले में भी नहीं है, और इस वाले में भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस वाले में भी नहीं है, अडेनियम वाले में, ये देखिए, जैसे कि मिट्टी के गमलों में पानी जल्दी जल्दी सूख जाता है, और बाकी गमलों के अंदर पानी रहता है। इस वाले में भी, चीड़ के प्लांट में भी आप देख सकते हो पानी सूखा हुआ है, और बाकी गमलों में सबों में पानी है, और इस वाले गमले में भी आप देख सकते हो पानी सूख जाता है। इसमें मैंने शाम को भी दिया था, क्योंकि जो छोटे गमले होते हैं उनमें मैं क्या कहते हैं, शाम को भी आकर पानी ज़रूर देती हूँ। छोटे गमलों में पानी जल्दी सूखता है, तो उनमें दो टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ बारिश का मौसम हो चुका है, और बूंदाबांदी भी आ रही है, तो मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, इससे पहले कि बारिश ज़्यादा आ जाए। और कल बड़ी आंधी आई है, मेरे सारे गमले उलट पुलट होके गिर गए, और जिनको कि मैंने अभी आके ठीक किया है, तो आधा घंटा तो इनको ठीक करने में ही चला गया है। और उधर देखिए, पाइप से पानी भर चुका है, तो हम इन बर्तनों को भी भर लेते हैं, उसके साथ साथ फिर पानी कैसे देना है। ये देखिए, बारिश भी आ चुकी है, तो ये देखिए, जैसे इस वाले प्लांट में पानी नहीं है, और इस वाले प्लांट में भी पानी नहीं है, और इस वाले प्लांट में भी पानी नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, तो जबकि सबको मैंने इक्वल पानी दे के गई हूँ। ये देखिए, इसमें भी नहीं है, और बेबी सनरोज़ और इनके प्लांट्स में भी पानी नहीं, और ये जो फूलों वाला प्लांट आप देख सकते हो कैसे भर भर के फूल दे रहा है, इसके अंदर भी पानी नहीं है। तो इसकी मिट्टी देखिए किस तरह से सूख जाती है, ये देखिए इसकी मिट्टी कैसे सूखी हुई है इसकी भी। तो बारिश भी आने शुरू हो गई है, और अब मैं जितना पानी इनको, वैसे तो बारिश अब इनको पानी दे देगी, मैं सिर्फ वो जो पानी के बर्तन जो भरने वाले होते हैं मैं उन्हीं को भर पाऊँगी, और फिर अगर बारिश कहीं रुक जाती है तो फिर हम कंटिन्यू काम करेंगे, मगर अभी बारिश शुरू हो चुकी है। ये देखिए, फर्श पे बारिश की बूंदें गिरने लगी है, तो मैं भी अपनी वीडियो को फटाफट बना लेती हूँ। ये देखिए कितने तरह की मेरे पास मोस लगी हुई है, ये रेड कलर की है, ये ऑरेंज कलर की है, ये येलो कलर की है, ये वाइट कलर की है, देखिए वाइट छोटा सा किला भी है, और ये एक और येलो क्रीम कलर का जो है वो वाली मोस है। तो मोस भी मेरे पास बहुत अलग अलग कलर की है, तो इन सब के अंदर हम पानी आज दे देंगे। बाकी प्लांट्स मेरे सारे हेल्दी है, और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, देखिए। और ये गुड़हल का प्लांट, इसमें भी कलियां देख सकते हो कैसे भर भर के लगी हुई है। तो बारिश अब तेज़ शुरू हो चुकी है, ये देखिए, जैसे ये छोटे से गमले के अंदर ये मैंने कटिंग लगाई थी, ये देखिए इसके अंदर पानी की कमी होने की वजह से कटिंग का ये हाल हो गया है। तो छोटे गमलों में, इस वाले गमले में भी देखिए मिट्टी सूखी हुई है, और इस वाले में भी सूखी हुई, इस वाले में भी सूखी हुई है, इस वाले में, तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ, और इस ये पीछे छुपा रहता है, इसमें पानी पड़ा रहता है, क्योंकि प्लास्टिक का है। बाकी सीमेंट के गमलों में और मिट्टी के गमलों में आप देख सकते हो पानी क्या कहते हैं, जल्दी 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 सूख जाता है।
तो चलो अब हम उस साइड चलते हैं जहाँ जिन गमलों में पानी जल्दी सूख जाता है उन गमलों में हमें पानी दो टाइम देना पड़ जाता है, और जिन गमलों में पानी पड़ा रहता है उनमें हमें पानी नहीं देना चाहिए। जैसे छोटे गमलों में पानी हमें दे देना चाहिए और बड़े गमलों में पानी नहीं देना चाहिए, दूसरे दिन ही देना चाहिए। जैसे अब मैंने कल दिया था बड़े गमलों में पानी, तो आज जैसे इस साइड में आपको दिखाती हूँ, इस साइड में आपको दिखाती हूँ कि गुलाब भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। कल इनका कलर बहुत डार्क था, आज फिर इनका कलर चेंज हो गया है। जैसे ये वाला बड़ा गमला है, ये वाला, इसमें मैं आज पानी नहीं दूंगी। और जैसे ये चंपा का गमला है, इसको अंदर, क्योंकि चंपा एक सैक्यूलेंट प्लांट है, इसमें पानी की ज़रूरत होती है, मैं तभी चेक करके पानी देती हूँ। छोटा चंपा इसके अंदर ये रखा हुआ है, ये देखिए इसको पानी की ज़रूरत है, और ये इस वाले चंपा को भी पानी की ज़रूरत है। जबकि कल सुबह ही मैं आके इनको पानी देके गई थी, तब इनका पानी इस तरह से सूख गया। बाकी गमलों में आप देख सकते हो पानी पड़ा हुआ है। तो जिन गमलों में पानी बहुत अच्छे से पड़ा होता है उनमें मैं पानी अभी नहीं दूंगी, जिन गमलों में पानी सूख गया है उनको मैं दे दूंगी, ठीक है। यानी कि कल सुबह का पानी दिया हुआ, जिन गमलों में आज पानी पड़ा है उनमें मैं पानी नहीं दूंगी, क्योंकि उनमें पानी फिर ओवर वाटरिंग होने का डर रहता है। और जिन जिन गमलों में पानी सूख गया है उन गमलों में पानी दे दूंगी। तो इस तरह से आप लोगों को भी यही करना है कि छोटे गमलों में अगर पानी रहता है तो आप पानी दीजिए, जिससे कि ओवर वाटरिंग ना हो। तो गर्मी ज़्यादा है, फूल इस तरह से गर्मी में ख़राब होने लगे हैं, ये देखिए सूखने लगे हैं, फूल इस तरह से ख़राब होने लगे हैं। बाकी प्लांट्स सारे बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ये कलियाँ दे रहा है, भर भर के फूल खिल रहे हैं। तो बस इस तरह से आप लोगों को पानी देना है। तो मैं अब आप लोगों को किस तरह से पानी देना है मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये वाले फूल भी अभी तक कॉरनेशन के फूल जो डेंटस फैमिली के होते हैं वो भी अभी तक हमारे यहाँ अच्छे से खिल रहे हैं। तो सारे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी है और अच्छे से चल रहे हैं। चंपा ने भी कलियाँ लगा दी है। तो चलो अब मैं आपको पानी दे के दिखा देती हूँ। हाँ, और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, चलो अच्छा हुआ कि बारिश रुक गई है। आपको एक बात और बता देती हूँ, जैसे कि हाँ, प्लांट में शावरिंग ज़रूर करनी है। शावरिंग आप दो टाइम भी कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले। अगर दो टाइम शावरिंग नहीं कर सकते तो एक टाइम तो आपको शावरिंग ज़रूर करनी होगी। तो इस तरह से आप शावरिंग कीजिए सभी प्लांट्स, जिससे कि कीट और कोई भी कीट और इफेक्ट और मिलीबग्स जो लगे होंगे वो शावरिंग से हट जाते हैं, और प्लांट भी नहाने से बड़े खुश होते हैं। तो जैसे हम लोग नहाकर बड़े खुश होते हैं, उसी तरह से प्लांट्स भी नहाकर बहुत खुश होते हैं। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना मत भूला करो। इतनी मेहनत से वीडियो बनती है और लोग सब्सक्राइब भी कम करते हैं और लाइक भी कम करते हैं। हाँ, कमेंट तो आते रहते हैं, जो जो कमेंट करते रहते हैं उन सब भाई बहनों के को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप मेरे सब्सक्राइब जो वीडियो को देखते हैं नए लोग, वो लोग भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, जिससे कि मनोबल बढ़ता है। और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। इतनी बुरी वीडियो तो नहीं बनाती मैं, जब लोग सब लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं वीडियो अच्छी बनाती हूँ, और मुझे भी मालूम है कि मैं वीडियो अच्छी बनाती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, और बेल का बटन प्रेस ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो जो भी डालूँ आपको मिलती रहे, आपको दिखती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेल का बटन प्रेस ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो इस तरह से आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे गमलों में इस तरह से पानी देना है। और कटिंगों का तो खास करके
इनको नहलाना ज़रूरी होता है, आप देख सकते हो। मैं भी इन सबको अच्छे से नहला रही हूँ, अच्छे से शावरिंग कर रही हूँ। ये देखिए सभी प्लांट्स को इस तरह से अच्छे से शावरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि किसी भी तरह के प्लांट्स के अंदर कोई भी मिलीबग्स या थ्रिप्स वगैरह ना लगे, कोई भी कीट ना लगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है इन सबको नहलाना। आप इस तरह से प्लांट्स को नहला सकते हो। चलो अच्छा हुआ कि बारिश रुक गई है, और कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो इस तरह से ये मेरी कटिंग्स लगी हुई है, आप देख सकते हो। इनका भी स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए इस तरह से सब में शावरिंग करनी होती है। तो आप अपने प्लांट्स में शावरिंग ज़रूर किया कीजिए। अगर दो टाइम करते हो तो आपके प्लांट्स में कोई भी कीट वगैरह भी नहीं लगेंगे, और कोई मिली बग्स थ्रिप्स वगैरह जो इन दिनों बहुत आते हैं वो सब नहीं लगेंगे। और बीच बीच में हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार आप इस वक्त अपने प्लांट्स में दवाई भी ज़रूर डाला करो, जो कि अगर आपके यहाँ थ्रिप्स या कीट्स और मिली बग्स अगर लगे हैं तो ज़रूर ज़रूर डाला करो, जिससे कि प्लांट आपके हेल्दी रहेंगे। मेरे यहाँ मैं शावरिंग ज़रूर करती हूँ, हाँ दो टाइम नहीं करती मैं शावरिंग, मगर एक टाइम तो कंपलसरी शावरिंग ज़रूर करती हूँ बिना शावरिंग के। ये देखिए जैसे अभी ये छोटे वाला है, इसी के अंदर रखा है, अब इसके अंदर इसी का पानी इसके अंदर अब चला जाएगा, है ना। तो छोटे वाला है और इसी इसमें भी पानी सूख गया है। जिन जिन में पानी सूख जाता है तो उनको, उन प्लांट्स को ज़रूर देना, और जिनमें नहीं सूखता है तो उनमें हम पानी नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि अगर हम कल मैंने पानी दिया और आज भी गमले में पानी पड़ा और मैं फिर से पानी दे दूँगी तो ओवर वाटरिंग होने का डर रहता है। तो इस तरह से आप इनको सबको शावरिंग ज़रूर कराइए। ये देखिए मैं किस तरह से सबको अच्छे से नहला रही हूँ। आप भी ज़रूर ऐसे ही प्लांट्स को नहलाना चाहिए। ये देखिए सभी प्लांट्स को मैं कितने अच्छे से पानी डाल रही हूँ, है ना। इस तरह से आप सभी प्लांट्स को नहलाना बहुत ज़रूरी होता है, है ना। अडेनियम के फूलों पे मत डालो, अगर अडेनियम के फूलों पे या किसी भी फूलों पे डालोगे तो फूल ख़राब हो जाते हैं, है ना, ख़राब होने लगते हैं। तो फूलों पे पानी नहीं डालना चाहिए। बाकी प्लांट्स की सभी पत्तियों को और अच्छे से शावरिंग करके इनको नहला देना चाहिए। तो इधर भी देखिए ये कल प्लांट्स गिर गया था हवा की वजह से, देखो अभी भी गिरा पड़ा है। ये देखिए इसको मैंने टेम्परेरी अभी खड़ा किया था, मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं इस प्लांट्स को फिर से ठीक कराऊंगी। ये देखिए गिरा पड़ा है ना, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। बाकी सभी प्लांट्स को मैं बहुत अच्छे से ये नहला दी। अलमंडा में भी फूल इस वक्त बहुत अच्छे से लग रहे हैं। जो जो भाई बहन अलमंडा को लगाना चाहते हैं तो वो इसका प्लांट्स भी आप ला के बहुत अच्छे से लगा सकते हो। तो इसमें भी पानी दे देते हैं, इसकी भी मिट्टी बहुत अच्छे से सूख चुकी है, और प्लांट्स ऐसे देखो नीचे गिरा हुआ है, कल आंधी आई थी उसकी वजह से गिरा हुआ है। तो इस तरह से सभी प्लांट्स को, तो इससे पत्तियाँ बहुत अच्छे से और प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी रहते हैं, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी बहुत अच्छे से होती है। प्लांट्स की पत्तियाँ साफ़ सुथरी होती है तो उससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत अच्छे से होती है। तो आप ज़रूर प्लांट्स को नहलाया करो। ये देखिए इसमें भी पानी की कमी है, मेरे बल्ब अभी तक प्लांट्स बल्ब देखिए कितना हेल्दी है, अगर इसने अभी तक अपना कार्य शुरू नहीं किया है। तो ये देखिए इस तरह से सभी प्लांट्स को बहुत अच्छे से नहलाना होता है। तो मैं अपने सभी प्लांट्स को बहुत अच्छे से नहला देती हूँ, और साथ में भी पानी भी थोड़ा कम दूँगी। तो चलो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त कर देती हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जुड़े रहिए, फिर से कहूँगी कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना प्यार बनाए रखें, धन्यवाद।